हेलो एवरीवन, आई एम रितिका जोजकर, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी डिपार्टमेंट. सो इन द कोर्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वी डिस्कस अबाउट यूनिट 3. ओके, सो इन द यूनिट 3 द फर्स्ट पॉइंट इज अ स्टैक. ओके, सो वेयर वी ऑलरेडी कवर द टॉपिक रिलेटेड टू स्टैक, दैट इज व्हाट इज मीन बाय स्टैक, द वर्किंग ऑफ स्टैक, स्टैक ऑपरेशंस एंड द सी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फॉर द स्टैक ऑपरेशन. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. So in this video, we are going to discuss about the what are the applications of stack used in the real life scenario. Okay, so let us discuss one by one applications of a stack. Application of stack. So the first application is the balancing of symbols. Okay, so the stack is used for balancing a symbol. For example, we have this type of program. Okay, so in this diagram or in this program, the int main function is used, and in that there are two statements: cout hello and cout data structure. Okay, so as we know, each program has an opening and closing brace, opening bracket and closing bracket. Okay, so when the opening bracket comes, so we push the bracket in the stack. And when the closing brackets appear, we pop the opening braces from the stack. Okay, so therefore the net value comes out to be zero. So if any symbol is left in the stack, it means that the sum syntax occurs in the program. Okay, so each and every time आप लोग जब main function start करोगे तो curly bracket open हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. सो अगर मैंने यहाँ पे एक करली ब्रैकेट नहीं दिया है, मीन्स वॉज अगर मैं स्टैक के अंदर इसको करली ब्रैकेट ओपन किया है तो मैं इसके इंसर्ट करूँगी. अगर मैंने इसका क्लोज किया है तो ये क्या हो जाएगा, पुश ऑपरेशन से पुश किया मैंने एलिमेंट और पॉप ऑपरेशन से डिलीट किया. मीन्स ये क्या कर रहा है, यस करली ब्रैकेट प्रेजेंट है, इसका क्लोज ब्रैकेट भी है हमारे पास. ओके, अगर मैंने स्टैक के अंदर ये अगर डबल कोट यूज़ किया है तो डबल कोट फर्स्ट वाला आ जाएगा, देन ये स्ट्रिंग आ जाएगी. एंड जब मैं क्लोज करूँगी करली ब्रैकेट ये डबल कोट को, तो ये जो मैंने पुश किया था और देन ये पॉप भी हो जाएगा. मीन्स वॉट, जहाँ पे मैंने ये करली डबल कोट को यूज़ किया है तो उसी टाइम मैंने उसको क्लोज भी किया है. ओके, सो दिस इज़ द बैलेंसिंग ऑफ सिम्बॉल. सो जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी तो कंपाइलर क्या करेगा, जितने भी हमारे वेरिएबल्स से सिंटैक्सेस है वो क्या करेगा, स्टैक के अंदर प्लेस करेगा. ओके, सो स्टैक के अंदर हमारा कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, देन हेलो स्ट्रिंग के अंदर ये डबल कोट आ जाएगा, देन मैसेज आ जाएगा एच ई डबल एल ओ, देन अगेन ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा. सो पुश ऑपरेशन से हमने क्या किया, ये और ये जो पॉप ऑपरेशन से हमने क्या किया, ये दोनों सिम्बॉल्स को मैच किया. अगेन डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक डेटा हमारा स्टैक के अंदर आ जाएगा, लास्ट में क्या क्लोज ब्रैकेट. ओके, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, आप बैलेंस करेगा जितने भी हमने ब्रैकेट को ओपन किया है उतने ब्रैकेट हमने क्लोज किए हैं या नहीं. ओके, अगर नहीं किया है तो वो क्या करेगा, हमें एरर शो करेगा. ओके ओके, सो इफ वी आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर सिंटैक्स फॉर कर्ली ब्रैकेट एंड डबल कोट, ओके, इट मीन्स दैट द सम सिंटैक्स ऑकर्स इन द सम एरर इज ऑकर इन द प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक, बैलेंसिंग ऑफ अ सिम्बॉल्स. ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू बैलेंस द सिम्बॉल्स. द नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग रिवर्सर. ओके, स्ट्रिंग को हम रिवर्स कैसे चेक करेंगे स्टैक के अंदर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यूज किया डेटा स्ट्रक्चर, सो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी तो हमें ओके डेटा स्ट्रक्चर ओके स्ट्रिंग को रिवर्स करके हमें चेक करना है कि फर्स्ट से मैंने जो स्टार्ट किया है उसी सिंबल लास्ट में दी लास्ट रिवर्स करने के बाद भी वही दिखाता है या नहीं. ओके, सो स्टैक इज ऑल्सो यूज फॉर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू रिवर्स दिस स्ट्रिंग, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, सो वी कैन अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ द स्टैक. So first we push all the characters of the string in the stack until we reach to the null character. Okay, so after pushing all the characters we start taking out the character one by one until we reach to the bottom of the stack. Okay, so yahan pe agar maine data structure use kiya hai d then a t
सो उसको रिवर्स करने के बाद उस सेम लेटर मिलेगा का हमें नहीं मिलेगा. अगर मैंने अनादर एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के अंदर, सो अगर मैंने यहाँ पे मैडम यह स्ट्रिंग लिखी है, इसको अगर मैंने स्टैक के अंदर इंसर्ट किया स्टार्टिंग फ्रॉम द एम देन ए देन टी देन अगेन ए एंड देन एम, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया. जब मैं पॉप करूँगी तो फर्स्ट एम आ जाएगा, देन ए व देन डी देन ए एंड एम. सो रिवर्स करने के टाइम भी हमें क्या मिल रही है, स्ट्रिंग इक्वल मिल रही है. ओके सो दिस इज अनादर एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैट. ओके वी कैन चेक द स्ट्रिंग इज रिवर्स और नॉट. ओके देन थर्ड एप्लीकेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट. सो द स्टैक मैनेजेस द मेमोरी. सो द मेमोरी इज असाइंड इन द कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक. ओके सो दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज द स्टैक मेमोरी एज ऑल द वेरिएबल्स आर असाइंड इन द फंक्शन कॉल स्टैक मेमोरी. ओके जितने भी प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉल स्टैक मेमोरी. ओके सो द मेमोरी साइज असाइन टू द प्रोग्राम इज नोन एज द कंपाइलर. ओके जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो मेमोरी हमारी अलोकेट होगी जितने भी वेरिएबल्स को हमने यूज़ किया है उसके लिए. ओके सो कॉल स्टैक फंक्शन क्या होता है, अगर यहाँ पे एक मैंने कॉल स्टैक एक स्टैक मेमोरी हमने क्रिएट की है विच इज कॉल्ड एज अ कॉल स्टैक मेमोरी. कॉल स्टैक मेमोरी जितने भी मैं फंक्शन कॉल करूँगी यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा. अगर अनादर फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. ये जो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो अगर मैंने फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे ऐड फंक्शन, तो ऐड के लिए वेरिएबल मैंने यूज़ किया है ए, सो वेरिएबल हमारा ऐड हो जाएगा. द अनादर वेरिएबल है बी. देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन कॉल किया है. कौन सा फंक्शन मैंने कॉल किया है, ऐड. सो जितने भी मैंने फंक्शन यूज़ किए हैं, जितने भी वेरिएबल्स मैंने प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए हैं, वो सारे कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, हमारे कॉल स्टैक मेमोरी के अंदर. कब स्टोर हो जाएंगे, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे. ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, सी वेरिएबल के अंदर होगा. ओके ओके सो जितने भी हमारे फंक्शन है वो सारे कॉल स्टैक के अंदर हमारे स्टोर होते हैं. ओके सो दिस इज द मेमोरी मैनेजमेंट. ओके सो द मेमोरी साइज इज असाइन टू द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ कंपाइलर. सो वेन द फंक्शन इज क्रिएटेड ऑल द वेरिएबल्स आर असाइंड इन दिस स्टैक मेमोरी एंड वेन द फंक्शन इज कंप्लीटेड कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन सो ऑल द वेरिएबल्स असाइंड इन द स्टैक मेमोरीज आर रिलीज्ड. ओके सो ऑटोमेटिकली मैंने पुश किया ए देन बी देन एड ए बी एंड सी, ऑटोमेटिकली स्टैक से फंक्शन कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिलीज करेगा. ओके सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ मेमोरी मैनेजमेंट. नेक्स्ट थिंग इज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज अ अनडू एंड रीडू. ओके वेयर वी यूज दिस अनडू एंड रीडू, सो इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर परफॉर्मिंग द अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस इन द स्टैक. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एडिटर इन विच वी राइट ए देन बी एंड देन सी, देयरफॉर द टेक्स्ट रिटर्न इन द एडिटर इज कॉल्ड एज अ ए बी सी. ओके सो देर आर थ्री स्टेट्स, दैट इज फर्स्ट स्टेट इज ए देन ए बी एंड देन ए बी सी, विच आर स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी. ओके सो देर वुड बी टू स्टैक्स इन विच वन स्टैक इज शोन द अंडो ऑपरेशन एंड अनादर स्टैक इज शोन द रीडो ऑपरेशन. सो इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म द अंडो ऑपरेशन एंड वी वॉन्ट टू अचीव द ए बी स्टेट, देन वी इम्प्लीमेंट द पॉप ऑपरेशन. ओके सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अंडो एंड रीड. देन द फिफ्थ एप्लीकेशन इज अ रिकर्शन. द रिकर्शन मीन्स वॉट, द फंक्शन इज कॉलिंग इट सेल्फ अगेन एंड अगेन to maintain the previous state. So the compiler creates a system stack in which all the previous records of the functions are maintained. Okay, so this is the concept of recursion. Okay, अगर मैंने एक function call किया है, main function से मैंने एक function call किया है factorial का. Okay,
सो फैक्टोरियल फंक्शन में आने के बाद वो क्या करेगा, फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, एंड उसी फंक्शन के अंदर वो क्या करेगा, फैक्टोरियल फंक्शन को वो कॉल करेगा. ओके, सो विच इज कॉल्ड एज अ सेल्फ रिकर्शन फंक्शन. ओके, सो रिकर्शन मीन्स वॉट, कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन. ओके, देन द सिक्स्थ एप्लीकेशन इज अ DFS. We can use the stack data structure in the depth first search. Okay, so this search implementation on the graph, and graph uses the stack data structure. Then the next application is the backtracking. Okay, so what is backtracking? Suppose we have to create a path to solve the some messy problems. So if you are moving the particular path and we realize that we come on the wrong way, okay, so in order to come at the beginning of the path, to create a new path, we have to use the stack data structure. For that purpose we are using the backtracking concept. Okay, and the next application is the expression conversion. So stack can also be used for the expression conversion. So this is the one of the most important application of a stack, that is the expression conversion. Okay, so there are different expression conversions are used, like infix to prefix conversion, infix to postfix, prefix to infix, prefix to postfix, and postfix to infix conversions. Okay, so so in the next part we discuss one by one what is mean by expression, how to convert the expression from infix to prefix, prefix to infix, infix to postfix also. Okay, so these are the different application of stack. First application is a balancing of symbols, then string reversal, then memory management, undo and redo, then recursion, DFS, that is depth first search, backtracking, and expression conversion. Okay, thank you.